हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीगलिटी ऑफ सेक्स टॉयज इन इंडिया। क्या सेक्स टॉयज इंडिया में बेचना, मैन्युफैक्चर करना लीगल है या नहीं है? तो आइए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 292 ऑफ IPC वो कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्सेंस मटेरियल को प्रमोट करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, तो वो पनिशेबल है एंड वो इंडिया के अंदर इनलीगल है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 377 ऑफ IPC। सेक्शन 377 कहता है कि अगर हम कोई भी सेक्सुअल कंटेंट को या ऐसे एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं जिससे सोसाइटी का नुकसान हो एंड गलत मैसेज पहुंचे, वो भी इंडिया के अंदर अपराध है। और सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट, अगर आप ऑनलाइन किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट करते हो जो कि सेक्सुअल है एंड जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है और वो ऑब्सेन सीन्स दिखाती है, तो वो भी अपराध है सेक्शन 67 के अंदर जाके। अब सेक्स टॉयज की बात करें तो इंडिया के अंदर सेक्स टॉयज का मैन्युफैक्चर करना इस समय बिल्कुल भी इनलीगल है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप किसी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से सेक्स टॉयज खरीदते हैं या उनका यूज़ करते हैं तो वो इनलीगल नहीं है। पर्सनली अगर आप कहीं वेबसाइट से, पर्सनल वेबसाइट से आगे उसको परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे वेबसाइट ने पहली चीज़ तो डिस्क्लेमर लगा रखा है कि जो भी इस वेबसाइट को विजिट करे वो 18 ईयर्स और अबाव होना चाहिए। हमारा मकसद सेक्स टॉयज को मार्केटिंग करना नहीं है, सिर्फ सप्लाई करना है एंड आप पर्सनली उसको यूज़ कर सकते हो। इंडिया के अंदर इस समय बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ रही है, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इसके अंदर एंटर भी मार रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है इस समय इंडिया के अंदर। एंड काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे US, कनाडा, उन्होंने स्पेसिफिक लॉ सेक्स टॉयज के ऊपर ऑलरेडी बना दिए हैं, पर इंडिया के अंदर इसके ऊपर अभी तक ऐसे लॉस क्लियरली नहीं बने हैं। अभी तक लॉस बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को लेकर साफ क्लियर है कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग करना इनकी टॉयज़ की इनलीगल है, बाकी अगर आप सेलिंग करते हैं प्राइवेटली तो वो बिल्कुल ही लीगल है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट इसमें भी स्पेकुलेशन है कि इसको प्योरली लीगल नहीं कहा गया है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलीबाबा जैसी वेबसाइट इंडिया के अंदर इस समय सेल कर रही है ऑनलाइन इनको। काफ़ी सारे स्नैपडील के ऊपर केसेस भी हुए। एक केस 2015 में स्नैपडील के ऊपर हुआ था, वहाँ पे ये मालूम करा गया कि स्नैपडील ने सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करा है अपने इंटरनेट के ऊपर, ऐसे पिक्चर्स का यूज़ करा है कि जो ऑब्सेंस है एंड कोई भी उसने एंट्री नहीं लगाई कि आप 18 ईयर्स अबाव हो या नहीं हो इस वेब पेज तक आने के लिए। उसके चलते स्नैपडील के ऊपर केसेस हुए। फ्लिपकार्ट ने अपने सारे ऐसे टॉयज़ को रिमूव कर दिया। अमेजोन अभी भी सेल कर रहा है, लेकिन वो अमेजोन वाला अमेरिका वाला अमेजोन है, इंडियन वाला अमेजोन अभी तक इस पर सेल नहीं कर रहा है। अलीबाबा इंडिया के अंदर इसको सेल कर रहा है, तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि क्या इसको लीगल कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर इंडिया के अंदर आपको चाइना से इसको इम्पोर्ट करना है, ला के बेचना है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपको जो इम्पोर्ट करो उसके कहीं भी डब्बे के ऊपर सेक्स टॉयज वर्ड नहीं यूज़ होना चाहिए, ना ही ऐसी कोई फ़ोटो होनी चाहिए। आपको हेल्थ एंड केयर ऐसा कोई वर्ड उस पर देना पड़ेगा जिससे आप इजीली कस्टम लॉस के अंदर जाके उसको इम्पोर्ट कर पाओ, नहीं तो आपका कस्टम में टॉयज अटक जाएंगे एंड आप इम्पोर्ट नहीं कर पाओगे। इस समय काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ने एंड बिजनेस वालों ने मेक इन इंडिया के अंदर एंड MSME के अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्रोच भी करी है, एप्लीकेशंस भी लगाई है कि इसके ऊपर क्लियरली एक प्रोसेस लाया जाए, हमें क्लियर बताया जाए कि ये इनलीगल है या लीगल नहीं है, ताकि हम भी बिजनेस करते समय बिल्कुल क्लियर रहें। प्लस इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लीगल करने के लिए भी इंडिया में डिमांड करी जा रही है, क्योंकि इस समय मेड इन इंडिया का काफ़ी जोश वोश है, तो काफ़ी सारे जो कंपनीज वाले हैं जो इंपोर्ट करते हैं वो कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमें इसको लीगली मैन्युफैक्चर करने दो, हम चाइना से इंपोर्ट नहीं करके इसको इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद चल रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे MLM गाइडलाइंस आई थी 2016 के अंदर, वैसे इसके ऊपर अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, कोई रूल्स नहीं आए, खाली हम IPC कस्टम एक्ट एंड IT एक्ट के बिहाव पे ही इस पर डील कर रहे हैं, उसके अलावा इसके ऊपर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है अभी तक। अब कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सेक्स टॉयस है जो मैनुअली स्ट्रीट वेंडर सेल करते हैं वो प्रोहिबिटेड है, पनिशेबल है, लेकिन सेक्स टॉयस को अगर आप ऑनलाइन बेचते हो प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू तो वो बैंड नहीं है, पनिशेबल नहीं है। अगर आप अपने लॉज का ध्यान रखते हो, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, आप उसकी खुलेआम मार्केटिंग नहीं करते हो जो कि प्रोहिबिटेड है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है बहुत इकोनॉमिकली एंड सोशिकली, जहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में सेक्स टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होना लीगल हो जाए। आपके क्या ओपिनियन से इस वीडियो के ऊपर एंड इन चीज़ों के ऊपर, क्या सेक्स टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर लीगल होनी चाहिए, क्या हमें चाइना से इम्पोर्ट बैन करना चाहिए,
टॉयज़ का, और हमें खुद मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देनी चाहिए कि आप कम्प्लीटली इन टॉयज़ को इंडिया के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन और हर तरीके से सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बैन कर देनी चाहिए और इसे बहुत स्ट्रिक्टली फाइन लगाना चाहिए। आप अपने व्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।